बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। और मैं सूरज रास, और आज किस पे देखने वाले हैं हम बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए बॉटनी का थर्ड पेपर जो कल होने वाला है। और बहुत छात्रों ने मुझे अभी कमेंट भी किया है, एक पेपर भी भेजा था जो आज है 19 तारीख, ठीक है 19 जुलाई, 20 तारीख को आपको पेपर होने वाला है। तो सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर हैकर की ओर से, क्योंकि आपके जो भी पेपर जा रहे हैं ना बहुत बेहतरीन जा रहे हैं, और इस हिसाब से आप खेलेंगे ना आगे तो सच बता रहे हैं आप टॉपर बनने वाले हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि आप जो क्वेश्चन करके आ रहे हैं, यदि इस तरीके से करके आ रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आ रहे हैं, आप बना बना के भी करके आ रहे हैं ना, तो सच बताइए आप पास होने की एक उम्मीद पर हैं। मतलब यदि आप बना बना के, आप याद भी नहीं है और आप बना बना के कर रहे हैं, तो वहां आपको क्या है, एक पास होने की कगार पे हैं, कह सकते हैं फेल ही होंगे आप। अब मान लीजिए जो छात्र करके ही नहीं आता कुछ, मान लीजिए उसका पेपर नहीं फंसा, एनीवे वो उसने हमारे कोर्स वीडियो को नहीं देखा, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, नहीं देखी उसने तो क्या करेगा, वो छोड़ देगा उस क्वेश्चन को जो उसे याद नहीं होगा। लेकिन यार इसमें नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है जो हमें छोड़ना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होती है तब हम छोड़ना सही रहता है कि यार हो सकता है गलत हो जाए। आपको जो दिल में आ रहा है ना करो, छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि आपको पेपर हैकर एक ऐसी फैमिली है जो आपकी और आपके बारे में सोचती है, ठीक है। तो आपको उसको सब्सक्राइब करना होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में जितने भी हमारे चैनल हैं, जैसे बीएससी बाई पेपर हैकर, बीए बाई पेपर हैकर, बीकॉम बाई पेपर हैकर, हाई स्कूल इंटर, जितने भी है सबको चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सभी दोस्तों को बता दो कि पेपर हैकर से ही पढ़ना है, फालतू कुछ इधर उधर नहीं घूमना है, नहीं टहलना है, समझ रहे ना, थोड़ा संघर्ष करना है, संघर्ष से ही सब कुछ होगा। बाकी हम कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन करने की। कुछ छात्र अभी नकल करते हुए पकड़े गए हैं, यूफेम लग गया है, मेरे पास काफ़ी कॉल आते हैं, तो अभी एमजेपी अरुणखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप ऐसा ना करें जो यदि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। और ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो गोपनीय विभाग में जाकर तुरंत तत्काल, जैसे ही आपका लेटर आता है तुरंत आप वहाँ कुछ भी करिए, जुगाड़ करिए, जो भी करना है तो वो करिए, बाकी पास होइए, फेल होने की कोशिश ना करिए, ठीक है। और जो छात्र हैं यूफेम वाले, नकल पकड़ जाती है तो तुरंत गोपनीय विभाग में जाना चाहिए उनको, जैसे कि जैसे लेटर आता है आपके घर पे सूचित किया जाता है कि भाई आ जाओ, बुलाया जाता है, तो आप वहाँ पहुँचिए, समझ रहे ना, पहुँचने ही सही काम होगा, बिना पहुँचे कुछ नहीं होने वाला। तो आप यहाँ ध्यान देखिए, एक बार मैं आपको बताने वाला हूँ, आज की जो वीडियो है वो थर्ड पेपर के बारे में है, क्योंकि आज तक जितने हमने पेपर दिए हैं वो बहुत बेहतरीन गए हैं, 80%, 85%, और थर्ड ईयर वालों के तो 90%, 96% ऐसे फंस रहा है, तो गजब तरीके से है ना सब कुछ। और इनके हमारे नोट्स, जिन छात्रों ने हमारे नोट्सों को डाउनलोड करना चाहता है तो नोट्सों को डाउनलोड कर सकता है, इनकी एमसीक्यू क्वेश्चन जो आ रहे हैं 5 क्वेश्चन उनको पढ़ के याद करना चाहता है तो वो हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। सारी पीडीएफ हमारे पेपर हैकर .in वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और साथ ही साथ इस डिस्प्ले पर भी आपको चल रहा हुआ पेपर हैकर .in, जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आपके सामने क्या है, साइट खुलेगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम थर्ड पेपर के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा थर्ड पेपर समझ लो क्या है, हमें क्या पढ़ना है। एक स्टूडेंट ने हमें भी कमेंट किया था कि सर कम से कम क्वेश्चन बताना, क्योंकि एक दिन में मैं कितना पढ़ सकता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं कम से कम क्वेश्चन बताऊंगा और वही बताऊंगा जो पेपर में आएगा, ठीक है चलो स्टार्टिंग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ हमसे बोला गया है रसारोहण की क्रियाविधि, ये पहला क्वेश्चन है, और आप कभी भी कंफ्यूज मत हुआ करो कि सर ये लॉन्ग में आएगा या फिर शॉर्ट में आएगा। एक बात याद रखना, दो से तीन शॉर्ट मिलकर लॉन्ग बनता है, लॉन्ग अकेला कभी नहीं होता, लॉन्ग अकेला कभी नहीं होता, वो दो या तीन शॉर्टों से मिलकर लॉन्ग बनता है, ये भी आप जानते हैं। मान लीजिए केवल आपसे उसने ये पूछ लिया कि रसारोहण होता क्या है, रसारोहण क्या है ऐसे बोल लिया, तो क्या होगा, ये शॉर्ट में होगा। लेकिन हमसे पूछा रसारोहण की क्रिया विधि, अब क्रिया विधि कैसे बनाओगे, और क्रिया विधि के साथ में होगा क्रिया विधि विद संचित्र वर्णन करिए, मतलब चित्र बनाकर आपको वर्णन करना होगा, अब समझ रहे हैं मेरी बात को। अब जब चित्र बनाने की बात हो गई, अब इसमें तीन पॉइंट दे दिए उसने, रसारोहण क्रिया विधि और उसके क्या गया संचित्र वर्णन करिए, तो क्या करोगे तुम लोग, तीनों जब आएगा तो लॉन्ग में आएगा, तो क्या है घबराना यार, बताओ ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, यहां से यहां तक पूछा जाएगा लॉन्ग में आएगा। ट्रेस और ट्रेसर, माइक्रो माइक्रो तत्व, ये शॉर्ट में आएगा, ये दोनों आएंगे एक साथ में तो शॉर्ट में आएंगे, ओके क्लियर, चलो क्लियर हो गया। हाँ जल संवर्धन को देख लेना, इसको
जल संवर्धन क्या होता है? ये शॉर्ट में फंसेगा, जल का अवशोषण, अवशोषण, जल का अवशोषण कैसे होगा, पौधों में जल का अवशोषण कैसे होता है वो आपको देखेंगे, ये भी शॉर्ट में बचेगा। सक्रिय अवशोषण, निष्कर्षीय अवशोषण, दो प्रकार से होता है जल का अवशोषण, एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्कर्षीय। ये तीनों एक साथ पूछता है, केवल जल का अवशोषण करें तो आप दो भागों के डिवाइड करके करोगे। यदि तीनों या साथ बनते हैं, सक्रिय और अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण, ये तीनों जब एक साथ बनेंगे तो इसका मतलब हो गया आपका क्या होगा, क्या आएगा इसके अंदर, ये दोनों फंसे जाते हैं, पार्ट टू में होते हैं, और ये आपका क्या होगा, पूरा लॉन्ग में फंसेगा, पूरा किसमें फंसेगा, लॉन्ग में फंसेगा, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या है, बाष्प उत्सर्जन पढ़ेंगे। बाष्प उत्सर्जन ये दो प्रकार का होता है, ये पूरा लॉन्ग में फंसेगा, यदि खुला रंध्र और बंद रंध्र दोनों की प्रक्रियाओं को बताएंगे, संचित वर्णन की बात करेंगे, लॉन्ग में फंसेगा। जैसे आपके गैस पेपर में यदि लॉन्ग में दे रखा है तो लॉन्ग में पढ़िए, यही क्वेश्चन शॉर्ट में दे रखा है तो शॉर्ट में पढ़िए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मुझ पर कॉमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। आपके बुक में ये लॉन्ग में फंसता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, खुला बंद दो प्रकार के होते हैं, उनको बताना है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां बोला गया है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या पढ़ोगे, एटीपी का निर्माण कैसे होता है, एटीपी का निर्माण कैसे होता है। श्वसन क्या है, श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, दोनों प्रकार के श्वसनों को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो लॉन्ग में आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो लॉन्ग में आएगा। C3 प्लांट और C4 प्लांट में अंतर आपसे पूछ लेगा, या दोनों की अलग अलग, जैसे कि सी चक्र जिसे केल्विन चक्र बोलते हैं, ये आपका बनेगा तो शॉर्ट में बनेगा, साथ ही साथ दोनों एक साथ बनते हैं तो लॉन्ग में फंसेंगे। यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये सब लोग आप पढ़ चुके होंगे, मुझे पता है कई बार आपने रटा होगा, कि वृद्धि हार्मोन्स, प्लांट में वृद्धि हार्मोन्स, जो प्लांट का मतलब होता है पादप ग्रोथ हार्मोन्स से बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जिब्रेलिन्स हो गया, ऑक्सिलिन हो गया और इथाइलिन हो गया, ये तीन ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे प्लांट कोई भी पौधा लगाते हैं, यदि उस पर छिड़काव वगैरह करेंगे तो वो प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है, समझ रहे ना। तो इन तीनों के बारे में किस तरीके से कैसे मेंशन किया जाता है, कैसे काम करता है प्लांट के ऊपर, वो आप याद कर लेना। एक पढ़ लेना कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, प्रोटीन की संरचना को पढ़ लेना है, क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं जूलॉजी में, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देखना है और पूरा बना बना के लिख के आना है। उसके बाद में इको, ईसी कोड से कहते हैं, और लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स और इको, ठीक है, ईसी कोड। और उसके बाद में आता है एंजाइम, एंजाइम के जब प्रकार की बात करता है हमसे एग्जामर, ये भी हमने सब जूलॉजी में पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा हमें दोबारा से रिपीट करना है, थोड़ा सा देखना है, पढ़ना है और आपको टोटल बना के वही लिखाना है। ये है क्रो एंजाइम, ठीक है, जिसे सह एंजाइम भी बोलते हैं, क्रो एंजाइम को, ठीक है, एंजाइम की ये चीज है। और एक आता है एपो एंजाइम, ये एंजाइम के प्रकार होते हैं, बहुत जरूरी है। एंजाइम का क्लासिफिकेशन जब करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो ये सब यहाँ क्रोम एंजाइम, वर्गम एंजाइम सब वहीं देखने को मिलते हैं। तो अब एंजाइम को एक बार पढ़ लेना, थोड़े अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पूरा याद हो जाएगा। और ये जब भी क्वेश्चन ऐसे तरीके से बनेगा, सब पूछेगा, तो ये लॉन्ग में फंसेगा, लेकिन क्रो एंजाइम और ये एपो एंजाइम अलग अलग पूछने लगा तो ये शॉर्ट में बनेगा, ठीक है। जैसे आपके बुक नोट्स में दे रखे हैं, बस उसको बस टिक लगा लो, कुछ ना करना है। डीएनए आरएनए में अंतर याद कर लेना है, और उसके बाद में आ जाना नीचे, एक आता है ये वाला है जिसका सी फोर चक्र जिसे बोलते हैं, सी फोर चक्र याद रख लेना, सी फोर चक्र, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आपको देखना है एक ये वाला क्वेश्चन, इमर्सन इफेक्ट क्या होता है, कैम चक्र क्या होता है, और ये मुंश की परिकल्पना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है। आप ये मत करिए कि एक दिन बचा है कुछ कम पढ़ लें, बेहतरीन पढ़ो, अच्छा पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, समझ रहे हैं। ये पढ़ लिया आपने, क्लियर हो गया। उसके बाद में एक ये करना, ठीक है, वस्तीकरण क्या होता है, आप इसको पढ़ के जाएंगे, और ऑटो रेस्पिरेशन भी मैं ऊपर बता चुका हूं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से बोलते हैं, प्रेरित फिट सिद्धांत, प्रेरित फिट सिद्धांत, ऑक्सो एंजाइम, प्रो एंजाइम, ये सब मैंने आपको ऊपर बताया था, एंजाइम के प्रकार होते हैं, ठीक है, और
सी डरमेंसी इन हिंदी, बीज प्रसुप्ति किसे कहते हैं? डरमेंसी ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन को देख लेना, ये वाला, इसकी संरचना के बारे में, ये आपके बुक नोट्स में दिया होगा, नहीं दिया तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लेना, प्रतिकल्पता पढ़ लेना, ये वाले, ये शॉर्ट में फंसेगा, ये शॉर्ट में फंसेगा। यदि इसके तीनों टाइपों को पूछने लगा, शॉर्ट डे लॉन्ग प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे नेटर प्लांट, इन तीनों को पूछने लगा एक साथ में, तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में फंस जाता है, ये लॉन्ग में जाके गिरता है, ठीक है। और उसके बाद में एक लास्ट में बोलूंगा एक क्वेश्चन याद करने के लिए, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, इसके बारे में, ग्रिप्स चक्र, हो सके तो इसको यदि दे रखा हो तो पढ़ लेना, ना तो छोड़ देना, दे रखा हो तो पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना याद हो जाएगा, बना बना के लिख दोगे, बाकी इसको पढ़ लेना है। अब बस इतना ही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखना है। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। एक बार इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एक दो बार रिपीट कर लेना, जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं उनको रट के जाना है। जैसे कि आपको बता दूं, ग्लाइकोलाइसिस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको रट के जाना है, बाकी जो क्वेश्चन मैंने टिक लगाए उनको एक बार पढ़ लेना है, दो बार पढ़ लेना है, और पेपर में बना बना के लिख देना है यदि गलती से आ जाए तो। दूसरा क्या है, देखो सी डरमेंसी को पढ़ लेना, शॉर्ट में फंसेगा, वस्तीकरण को फंस लेना, इसको पढ़ लेना, और देखो इमर्सन फिर भाव और मुंज के पलगा, इनको दोनों को रट के जाना है, कैम सेक्टर को रट के जाना है, ठीक है, कमजन को रट के जाना है इनको, ठीक है। और देखो निकला, देखो निकलो साइट और निकलोटाइट, इन दोनों में अंतर पूछता है तो शॉर्ट में बनता है, एक बार पढ़ लेना, बस बना बना के लिख देना। डीएनए आरएनए में अंतर रट के जाना है इसको। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम और को एंजाइम के प्रकार रट के जाना है, कोएंजाइम को, कोएंजाइम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इन दोनों को रट के जाना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे पहुंच जाना, लिपिड्स क्या होते हैं, उनके महत्व रट के जाना है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इन दोनों को रट के जाना है, लॉन्ग में या शॉर्ट में फंसेंगे, पादप ग्रोथ हार्मोन्स रट के जाना है, ये तीनों को पढ़ लेना, इनमें से दो हार्मोन्स देखने को मिलेंगे, श्वसन को रट के जाना है, ठीक है, और C3 C4 चक्रों को रट के जाना है, ATP का निर्माण कैसे होता है रट के जाना है, प्रकाश संश्लेषण को रट के जाना है, बाष्प और सर्जन दो प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का रट के जाना है, क्योंकि ये फंस रहे हैं, टोटल छपेगा, ठीक है, और रसारोहण क्या होता है रट के जाना है, ठीक है। इसमें जल का अपशोषण कैसे किया जाता है, दो प्रकार से होता है, इसको भी रट के जाना, क्योंकि जल के गुण या रखे अपशोषण के बारे में पूछ लेता है। बस इतना सा क्वेश्चन बनेंगे, लगभग में मान लीजिए 10 से 11 क्वेश्चन हो जाएंगे जो रटना होगा, बाकी आपको एक बार पढ़ना होगा और उसके बाद में आपको सब कुछ बना बना के करना होगा। तो आज की वीडियो कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और सभी लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और जो मैंने आपसे पहले जो वादा करवाया है उस वादे को निभाना जरूर है, सभी छात्रों को, अपने टीचर को, क्लास टीचरों को, सभी को बताना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक लिए बाय बाय।